एसडीएम ने धान क्रय केंद्र का किया निरीक्षण। लक्सर एसडीएम वैभव गुप्ता ने गोवर्धनपुर धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान धान केंद्र पर कई अनियमितता पाई गई, जिस पर एसडीएम ने जमकर फटकार लगाई। वहीं उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से किसान संतुलन द्वारा गोवर्धन धान क्रय केंद्र में कुछ अनियमितताएं को लेकर शिकायतें आ रही थी। नव भारत समाचार लक्सर उत्तराखंड से फिरोज अहमद की रिपोर्ट। मैं लेके चलता हूँ उनका, आप ध्यान दे दीजिए। अगर उस धान में अगर कमी निकल गई ना, आप मुझे फिर बता। मैं तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इतनी बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे कागज पूरे के लिए बिल में सब कुछ आने वाली बात ऐसी है। अगर अगर तुमने यहाँ पे था, यहाँ पे तुम्हें लिखना चाहिए छुट्टी, अगर छुट्टी थी तो छुट्टी मेंशन करना था, ये हॉलीडे है। और अगर तुम्हारी खरीद हुई थी तो तुमको यहाँ मेंशन करना चाहिए था, कितने बजे थी, ठीक है। और तुम्हें अगर इन्फॉर्म करना चाहिए था, यहाँ पे तुमको डिस्प्ले करके रखना चाहिए था कि छुट्टी इस दिन होती है, और यहाँ पे तुम्हें लिखना चाहिए 17% मॉइस्चर पर ही लिया जाएगा। ये सब चीज़ें तुम भी नहीं है, ये सब मैंने खुद बताया है दो बार, वो भी तब भी नहीं है। यहाँ मैंने खुद बोल के कहा कि तुमने लगाया, तुमने कहा। पिछले कुछ समय से किसान संगठनों द्वारा गोवर्धनपुर धान क्रय केंद्र में कुछ अनियमितताओं के बारे में शिकायत की जा रही थी, और इसमें ज्ञापन भी दिया गया था। उसी के क्रम में आज यहाँ पर जांच की गई, तो यहाँ पर बहुत ही सत्यापन किया गया, और जो यहाँ पे अभिलेख हैं उनका निरीक्षण किया। कुछ कमियाँ पाई गई हैं, जैसे कि यहाँ पर जो स्टॉक मेंटेन किया जाना चाहिए वो पूरी तरह ठीक से नहीं मेंटेन किया गया है। साथ ही जो यहाँ पर कई स्थितियों में ऐसा देखा गया कि उसमें धान की खरीद के बाद उसको वहीं पर स्टोर किया गया है, जबकि उनको तत्काल ही राइस मिल तक भेज दिया जाना चाहिए था। साथ ही यहाँ पर लेबर की भी पर्याप्त व्यवस्था है, यानी इसके संबंध में भी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि मस्टर रोल जो है वो यहाँ मेंटेन नहीं किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो नमूना है उसको भी सील करके रखे जाने का प्रावधान है, पर धान का कोई भी नमूना यहाँ पर रखा नहीं गया है। तो इन सब कमियों के बारे में रिपोर्ट बना दी गई है, और ये उच्च अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाएगी।